नमस्कार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राज्य खबर को स्वागत करुछि मु नेहा। नयागढ़ जिलार रणपुर ब्लॉक अंतर्गत बजेन्द्र चंद्र उच्च विद्यालय ब्लॉक स्तरीय शिक्षक तालीम केन्द्र आयोजित होता। अनुष्ठित एक कार्यक्रम में सुनेत्र केयार उपरे तालीम दिया जाइथिला। विद्यालय स्तर शिक्षार्थी मानंको आखि दोष चिन्हट करा जाइथिला। बुधवार बजेन्द्र चंद्र उच्च विद्यालय सुनेत्र कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। ब्लॉक स्तरीय तालीम कार्यक्रम स्थानीय नरसिंहपुर गौरांगपुर तामसाही रणपुर एवं बजेन्द्रपुर क्लथर शिक्षक माने जोग देथिले। रणपुर सरकारी डाक्तरखानार डाक्तर विजयलक्ष्मी शतपथी शिक्षक मानक तालीम देथिले। तबे एही तालीम केन्द्र रे स्थानीय अंचल विद्यार्थी मानक आखि परीक्षा करिबा सहित प्रतिकार सम्बन्धरे मध्य आलोचना करा जाइथिला। आयोजित ही कार्यक्रम टी बीआरपी संतोष कुमार महापात्र मानस कुमार पाल्टा सिंह एवं सुजाता साहू प्रमुख परिचालना करथिले। नयागढ़ रणपुर रु सरोज साहू को रिपोर्ट न्यूज फॉर ओडिशा। केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाई ब्लॉक रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित होइतला। ब्लॉक मंडल उन्नयन अधिकारी द्वारा अनुष्ठित होइतला कार्यक्रम। एक कार्यक्रम माध्यम रे ब्लॉक रा विभिन्न उन्नतिमूलक कार्यर समाधान होइतवा देखिबा को मिलिछि। आयोजित एक कार्यक्रम रे राजनगर विधायक ध्रुव साहू मुख्य अतिथि भाबे जोग देथिले। पट्टामुंडाई ब्लॉक परिसर रे अनुष्ठित होइछि स्वतंत्र कार्यक्रम। एही कार्यक्रम रे राजनगर विधायक ध्रुव साहू उपस्थित थिले। से एही कार्यक्रम रे स्थानीय स्टेट बैंक शाखार सहयोग रे ऋण प्रदान करथिले। स्वयं सहायक गोष्ठी एवं विकलांग माने एथिरे शामिल होइथिले। या सहित से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड रु आर्थिक सहायता बंटन करने सहित प्रधानमंत्री आवास योजन हिताधिकारी गृह जगैते। केन्द्रापड़ मनमथ राउत रिपोर्ट न्यूज फॉर ओडिशा। कंधमाल लज्जा खु उदयगिरी ब्लॉक कलिंगिया ग्राम से जड़े 3 वर्ष शिशु दुष्कर्म उद्यम होता अभियोग। 8 पिलार बापा शिशुटी खेलुवर सुजोग नहीं प्रथम ललिपप दे दुष्कर्म उद्यम कर पुलिस घटनास्थल में पहुंची अभियुक्त को जेरा करने पचराउचरा जारी रखी। सूचना अनुसार कंधमाल जिला घु उदयगिरी ब्लॉक कलंगिया ग्राम से सामना को आसी एक अभावनीय घटना। एही ग्राम से जड़े विवाहित युवक से ही ग्राम जड़े 3 वर्षर शिशुकन्या को संध्या समय खेलुवर सुजोग नहीं पाख दोकान को नहीं था। शिशुटी को ललिपप्र प्रलोभन देखा एक निछाटिया स्थान को नहीं जाइए झील रखी भी मैंने कहबारे नंगला होता पिला नंगला करते पाकी खोली मो आराम मो पा छाड़ी मरीज कहकर से भाई किए किए पार्टी कले भाई अच्छा तो आप चाहते ताको एमती दुष्कर्म करने सजा मिलू जहाँ कि लोक शिक्षा पाए हिसाब से मानुली स्नेहमद करूली कि अशांति गंडगोल नाला सहित से स्त्री छाड़ी बहुत वर्ष रही से बोलते छक मो आई आउ भी भितर जहाँ भी झगड़ा होता घर को आसिक झगड़ा होता मो आई को कही छक तेत बदनाम करती मु कहवाक चाहूँ कि मो बापार किसी भूल से फसाऊँ सेठे दुष्कर्म उद्यम करने शिशुटी को तार मामूघर पाखे छाड़ चली जाइला। तेज शिशुकन्या निखोज होबारु परिवार लोके बहु खोजाखोजी पर शिशुटी को पाई घटनार तदंत घु उदयगिरी थाना एएसआई घटनास्थल को जा तदंत विभिन्न जिनस जबत कर सूचना मिली। से हीपरि कुकर्मकारी डाक्तरी माइनापाई स्वास्थ्य केन्द्र को निया जनापड़ी। घु उदयगिरी रु मिंटू दंडसेना रिपोर्ट न्यूज फॉर ओडिशा। होमियोपैथिक महाविद्यालय परिदर्शन कले विधायक नावरी नायक। सम्बलपुर जिला होमियोपैथिक महाविद्यालय समानुसारे संप्रसारण न होबारु अटकी जाइछि पाठपढ़ा और रोगी सेवा। तबे एने विधायक और बीजेपी एक प्रतिनिधि दल यही महाविद्यालय को परिदर्शन करने समस्या को शीघ्र समाधान करने को प्रतिश्रुति।
ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ହୋମିଓପାଥିକ ଲ୍ୟାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ପୁରୁଣା କୋଠାରେ ଚଳାଇବା ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କୋଠାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମସ୍ୟା। କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଗ୍ନ ନମୁନା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏହି କୋଠା। କୋଠାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ପିସି କାରବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଗନ୍ଧ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଅତୀତରୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ କୋଠାର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୋଚନୀୟ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ଛାତରୁ ପାଣି ବୋହି ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଜମା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋର ଓଡ଼ିଶା। ବଜ୍ରପାତରେ ଗଲା 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ କରଞ୍ଜ ଗାଁରେ ପପୁନି ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା ସକାଳୁ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଥିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବେ ତମର କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା ତ ପଇସା ବିଲକୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତ ବହି ତ ବହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେପରି ମାରିଲୋ ଗାଁର ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ଅଜୟ ନାୟକ, ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓସ୍ତର ଗାଁର 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।